नमस्कार, आज मैं आपको बताना चाहूँगा साउथ वेस्ट यानी नैऋत्यमुखी प्लॉट के बारे में, जिस प्लॉट के एक कॉर्नर में साउथ आता है और एक कॉर्नर में वेस्ट आता है और 225 डिग्री जहाँ पर आता है और वहाँ पर गली लगती है, सड़क लगती है। तो ऐसे प्लॉट को साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में ऐसे प्लॉट को सबसे ज़्यादा खराब माना गया है। यदि आप इस प्रकार का कोई प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप ऐसे प्लॉट को अवॉइड करें। आप ऐसा प्लॉट खरीद चुके हैं और ऐसे प्लॉट के अंदर घर बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसे घर में रहने वालों के यहाँ पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव कम होता है और नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई भी गली या सड़क है उसके आमने सामने जो भी प्लॉट होते हैं, जैसी भी फेसिंग होती है, वो हमेशा ही एक दूसरे के अपोजिट फेसिंग बनती है। मान लीजिए एक गली है और उस गली में एक तरफ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट है जिसे वास्तुशास्त्र में बहुत अच्छा माना गया है, तो ऐसे ही उसके अपोजिट साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट बनेंगे और जो साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट होंगे उसमें कोई ना कोई व्यक्ति तो घर बनाएगा। यदि आप ऐसे प्लॉट के अंदर घर बना रहे हैं तो आपको बहुत सारी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जिसे अर्थ एलिमेंट कहा जाता है, और यह दिशा हमेशा ही स्थिरता देती है, परिवार में अच्छे संबंध देती है, और यह दिशा सही होती है तो हमेशा ही परिवार की ग्रोथ होती है, व्यापार में भी, परिवार में भी और घर में भी। तो इसलिए हमेशा ही साउथ वेस्ट डायरेक्शन को सही रखना चाहिए। लेकिन आपका प्लॉट साउथ वेस्ट फेसिंग है और आपने इसी प्लॉट के अंदर घर बनाना है तो आपको बहुत सारी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्थिरता की दिशा है। इस दिशा को पितरों का स्थान भी कहा जाता है। जब यह दिशा सही होती है तो घर के अंदर खुशहाली आती है। जो घर के मुखिया है, जो घर के मालिक है, वो हमेशा ही खुशहाल रहते हैं। अब ऐसे में जो प्लॉट साउथ वेस्ट फेसिंग है तो ऐसे में जब मेन गेट लगाया जाता है वो भी साउथ वेस्ट का ही काउंट होता है। तो ऐसे प्लॉट के अंदर हमें मेन गेट कहाँ बनाना चाहिए? आपको अपना मेन गेट साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट के अंदर कहाँ पर बनाना चाहिए? मेन गेट आप साउथ कॉर्नर की तरफ बना सकते हैं, ऐसे ही गेट आप वेस्ट कॉर्नर में भी बना सकते हैं। ये दोनों दिशाएं मेन गेट के लिए फिर भी ठीक मानी जाती है। सेंटर के अंदर मध्य भाग में कभी भी मेन गेट को नहीं बनाना चाहिए। जब भी सेंटर में मेन गेट बनाते हैं, मध्य भाग में मेन गेट बनाते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव उस घर के अंदर देखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति ऐसे घर में रह रहे हैं उनको तकलीफ आ रही है, तो वो व्यक्ति भी मेरी इस वीडियो को जरूर देखें। आपके अपने फैमिली में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका घर साउथ वेस्ट फेसिंग है, या आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं और वो साउथ वेस्ट फेसिंग है, तो मेरी इस वीडियो को आप अपने सर्कल में भी जरूर शेयर करें, क्योंकि आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट के अंदर हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ताकि यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कुछ हद तक बढ़ जाए और नेगेटिव एनर्जी है वो कुछ हद तक कम हो जाए। 100% तो चीज़ें सही नहीं होंगी, लेकिन फिर भी नेगेटिव एनर्जी कम हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, तो उससे भी हमें काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। तो ऐसे में मेन गेट हम साउथ कॉर्नर पर भी लगा सकते हैं और वेस्ट कॉर्नर पर भी लगा सकते हैं, सेंटर में मेन गेट नहीं लगाना है। सबसे पहले ध्यान रखना है जो अपनी फ्रंट की दीवार है वो 9 इंच की, 13 इंच की या 18 इंच की होनी चाहिए, और फ्रंट की दीवार की जो हाइट है वो भी जो हमारी बाउंड्री वॉल है उनसे ऊंची होनी चाहिए। अब ऐसे में आप अपने प्लॉट के अंदर घर बनाते हैं तो फ्रंट के भाग में यदि आप ओपन एरिया रखते हैं, मान लीजिए आपने फ्रंट में ओपन एरिया रखा है और ये ओपन एरिया आपने सपोज कीजिए 5 फीट का या 6 फीट का या 7 फीट का रखा है, तो आपको हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट में यानी साउथ वेस्ट के अपोजिट नॉर्थ ईस्ट में ओपन स्पेस साउथ वेस्ट से ज़्यादा रखना चाहिए। ये साउथ वेस्ट फेसिंग के लिए हमेशा ही अच्छा रहेगा। अब इसमें हमें और क्या ध्यान रखना चाहिए, साउथ कॉर्नर से साउथ वेस्ट होते हुए वेस्ट तक फ्रंट के भाग में किसी भी प्रकार की गहराई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पानी का अंडरग्राउंड टैंक नहीं होना चाहिए, सबमर्सिबल नहीं होना चाहिए बोर, और यहाँ पर सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए, और यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक भी नहीं बनाना चाहिए। इसी के साथ घर की फर्श की ढलान या छत की ढलान साउथ वेस्ट कॉर्नर की ओर नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो इनके कारण वास्तु दोष बनता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए फ्रंट का भाग यानी साउथ वेस्ट हमेशा ही
ऊंची होनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट हमेशा ही नीची होनी चाहिए। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप अपने घर के अंदर इलेक्ट्रिक मीटर लगवाते हैं, एमसीबी बॉक्स बनवाते हैं, तो वो हमेशा ही साउथ वॉल पर, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक मीटर एमसीबी बॉक्स बनाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाते हैं। और एक बात का जरूर ध्यान रखना, साउथ वेस्ट का भाग ये ऊंचा होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट का भाग हमेशा ही नीचा होना चाहिए। फ्रंट के भाग में पानी का काम नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका अपना घर बना हुआ है और आप हद से ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट में जब भी वास्तु दोष बनता है तो उसका सीधा इफेक्ट घर के मालिक के ऊपर, घर के मुखिया के ऊपर आता है और कहीं ना कहीं परिवार में स्टेबिलिटी भी खत्म होती है, यानी आपस में तनाव बनता है, झगड़े होने के कारण बनते हैं। तो इसलिए साउथ वेस्ट को हमेशा ही मजबूत रखना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे घर में रह रहे हैं और उनके यहाँ फ्रंट में साउथ वेस्ट का भाग नीचा है, तो उसे ऊंचा करेंगे तो उसको रिलीफ जरूर मिलेगा। फ्रंट की दीवार नीची है, उसे ऊंचा करेंगे तो भी रिलीफ मिल जाएगा। फ्रंट की दीवार पतली है, उसको मोटाई में ज़्यादा करेंगे तो भी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसा करने से आपके घर के अंदर खुशियाँ बढ़ेंगी। अब मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूँगा, आपके अपने जो मेन गेट है, आप साउथ कॉर्नर में लगाते हैं या वेस्ट कॉर्नर में लगाते हैं, यहाँ पर गेट आपका थिक वाला होना चाहिए, मेन गेट आपका बिल्कुल पैक वाला होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है, जाली वाला यदि आपका मेन गेट है तो कहीं ना कहीं आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। लास्ट स्टेज में देखते हैं कि सारी मेहनत की और लास्ट स्टेज पर आकर वो काम आपका कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, जब आप साउथ वेस्ट में गेट लगाते हैं, चाहे साउथ कॉर्नर में लगाते हैं चाहे वेस्ट कॉर्नर में लगाते हैं, तो गेट आपका जाली वाला नहीं होना चाहिए। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट के बारे में। यदि आप कोई साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट ले चुके हैं और उसके अंदर घर बना रहे हैं या आपका अपना घर बना हुआ है, तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताया है। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है सही है, तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का मैप लेआउट बनवा सकते हैं। और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें अपने यहाँ पर साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपके घर को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।